गाइस बात करेंगे नासा इसरो निसार मिशन के बारे में। सो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट मिशन, सार का इसमें फुल फॉर्म है, एस ए आर का, सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। तो नासा इसरो का ये सार मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, 2023 में इसे लॉन्च किया जाएगा और इसरो ने ऑलरेडी एस बैंड सार पेलोड जो है वो नासा को दे दिया है निसार मिशन के लिए। तो नासा इसरो सार मिशन क्या है, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये मिशन जो है वो किस चीज को स्टडी करेगा, पूरे दुनिया भर के एनवायरमेंटल चेंजेस को स्टडी करेगा, हजार्ड्स को, खतरों को स्टडी करेगा और हेल्प करेगा कि नेचुरल रिसोर्स को बेटर तरीके से मैनेज करने में, और प्रोवाइड कराएगा हमारे साइंटिस्ट को इंफॉर्मेशन जिससे कि साइंटिस्ट बेटर तरीके से एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट और उसके पेस को, क्लाइमेट चेंज के पेस को कि कितनी गति से क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है, कितनी तेजी से टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, कितनी तेजी से सी लेवल राइज हो रहे हैं, इन सब चीजों का पता लगाने में मदद करेगा ये नासा इसरो का निसार मिशन। और ये पूरे दुनिया को, पूरे ग्लोब को हर 12 दिन में, राइट, 3 साल के इसके मिशन में कैप्चर करेगा, यानी कि 3 साल का टोटल इसका मिशन है और इन 3 सालों में हर 12 दिन में धरती की ये इमेज जो है वो निकालेगा, पूरी धरती की कंप्लीट इमेज, धरती की जमीन, धरती में मौजूद आइस शीट्स जो है, सी आइस जो है, पूरी जानकारी देगा प्लैनेट से रिलेटेड धरती के बारे में। ये मूवमेंट को डिटेक्ट करेगा कि हमारी धरती का प्लैनेट सरफेस जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो किस तरीके से मूव कर रहा है, एज स्मॉल एज 0.4 इंचेस ओवर एरियाज अबाउट हाफ द साइज ऑफ टेनिस कोर्ट। 0.4 इंच जितनी छोटी ग्रह की सतह की गतिविधियों का पता लगाएगा ये, बहुत छोटे यानी कि एक टेनिस कोर्ट के लगभग छोटे आकार तक के क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, उसका भी ये आइडिया हमें देगा। नासा इसमें प्रोवाइड करा रही है एक रडार, राइट, सैटेलाइट के लिए हाई रेट कम्युनिकेशन सब सिस्टम, साइंस डेटा के लिए नासा प्रोवाइड करा रही है, जीपीएस रिसीवर प्रोवाइड करा रही है और एक पेलोड डेटा सब सिस्टम प्रोवाइड करा रही है। और हम लोग जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं स्पेसक्राफ्ट बस, सेकेंड टाइम टाइप का रडार जिसे एस बैंड रडार कहा जाता है, और लॉन्च व्हीकल और एसोसिएटेड लॉन्च सर्विसेज, ये सब चीजें हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और निसार के अंदर हम लोग को लार्जेस्ट रिफ्लेक्टर एंटीना हमें देखने को मिलेगा, जिसको अभी तक नासा ने सबसे बड़ा जो एंटीना है जिसे लॉन्च किया है वो इसमें लगाया जा रहा है। और इसका प्राइमरी गोल में ये मदद करेगा जैसे कि ट्रैक करने में धरती के सर्फेस में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको ट्रैक करने में, वार्निंग साइंस देगा ये इमिनेंट वॉल्केनिक इरप्शन की, यानी कि चेतावनी देगा ज्वालामुखी विस्फोट की, राइट, और साथ ही साथ हेल्प करेगा हमारे ग्राउंड वाटर सप्लाईज को मॉनिटर करने में भी, भूजल आपूर्ति निगरानी में मदद करेगा और ट्रैक करने में मदद करेगा कि आइस शीट्स जो हम लोग को देखने को मिल रही है, बर्फ की चादरें जो है वो किस दर से और कितनी तेजी से पिघल रही हैं, इसका पता लगाने में ये सब चीजें मदद करेंगी, राइट। तो ये सिंथेटिक अपार्चर रडार सार है क्या, तो इसका नाम जो है गाइस निसार, इसका शॉर्ट फॉर्म है नासा इसरो सार। तो सार का मतलब ये है सिंथेटिक अपार्चर रडार, जो कि नासा जो है वो उपयोग करेगा धरती के सरफेस पर छोटे से छोटे चेंजेस को मेजर करने के लिए। एसेंशियली सार जो है वो एक प्रकार की टेक्निक है जो कि हाई रेजोल्यूशन इमेज प्रोवाइड कराती है, ये अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है। रडार जो है वो क्लाउड के अंदर भी और इवन रात के समय पर भी, डार्कनेस पर भी जो है वो सटीकता से जो है वो इमेजेस दिखा सकेगा, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। इसका मतलब साफ साफ ये है कि वेदर चाहे कैसा भी हो, दिन हो या रात हो, प्रॉपर हाई क्वालिटी की इमेज जो है वो प्रोवाइड कराने में ये सक्षम है डिवाइसेस। तो ये चीज है गाइस जिसके बारे में एक अच्छी जानकारी, अच्छा आइडिया आप लोग को होना चाहिए निसार मिशन के बारे में।